अलामा इकबाल का एक और शाहीन जिससे शादी करने के लिए रशिया से हमारी नेशनल भाभी तशरीफ ला चुकी हैं। ये हैं फैसल, जिनका ताल्लुक मच्छर कॉलोनी मलीर कराची से है, जबकि ये जो हमारी नेशनल भाभी हैं, इनका ताल्लुक रशिया के शहर कबर डल्विनो बल्गारिया से है। इनकी मोहब्बत की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है। ये भाई गंदे गाने गाते हैं, जिस्म फिल्म के गाने गाते हैं। ये गाने इन्होंने सुने और वो गाने इनके इंस्टाग्राम पर पड़े हैं। वो गाना सुनने के बाद इनको इनसे मोहब्बत हो गई और इन्होंने मच्छर कॉलोनी के लड़के को टैक्स किया और उसके बाद इनकी मोहब्बत में बन गई। कि शादियों के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे अल्लाह रखा पेप्सी कहलाते हैं। उनकी मोहब्बत की लव स्टोरी है क्या, ये इन्हीं से जानते हैं। हमारा टैलेंट यही है कि अगले को किस तरह जो है ना, हमने कन्विंस करना है कि हमारे के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे वो इंटरेस्ट ले सके। क्या ऐसी चीज थी जिसको देखकर ये आपकी तरफ खींची चली है? इनको जो है बचपन से ही बॉलीवुड गानों का शौक था। मैं बॉलीवुड के गाने वगैरह गा रहा हूँ, ये समझी कि मैं इंडियन हूँ। शक्ल भी रमेश पुरी की जेब जैसी है। बिल्कुल नहीं, वो हमारे वाली जेब नहीं होती। इन्होंने मैसेज किया तो आपने फौरी तौर पर रिप्लाई कर दिया। मैसेज था क्या? मैसेज ये था कि आप जो है अच्छे गाने गाते हैं। उर्दू आती थी? उन्होंने वीडियो कॉल की तो जब मैंने उनसे इंग्लिश में बात की। वीडियो कॉल मतलब नॉर्मल थी या मतलब गंदी वीडियो कॉल की थी? नहीं, नॉर्मल वीडियो कॉल जैसे होती है जब इंट्रोडक्शन जब बंदा लेता है। आप मुझे बताए आपको क्या अच्छा लगा? इस तरह के लड़के तो यकीन करो फूफो को भी पसंद नहीं होते। उससे आवाज अच्छी पसंद आए। आवाज पसंद आई आपको? जी आवाज। अच्छी आवाज निकालते हैं ये? जी। कैसी आवाजें निकालते हैं जो आपको ज्यादा अच्छी लगी? अच्छी गाना गाए। कौन कौन से गाने आपको इनके पसंद आए अभी तक? लुट गए हैं। लुट गए जी। आप भी लुट गई हैं जी? लुट ली हाँ जी, हमें लूटना चाहता था। कहाँ कहाँ लेकर गए हैं ये आपको पाकिस्तान में? मुझे लाहौर ज्यादा पसंद आया। लाहौर बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़े और हमारे शहर की तरह लग रहे हैं। हमने देखा कि जो रशियन बच्चियां हैं उनको बड़ा लाहौर ही पसंद आता है, तो आप फिर कराची में क्यों इनको दिल दिया आपने? मैं तो पहले सोच रहा हूँ वो लाहौर में, पर बाद में मुझे पता चला है जो वो कराची में। इनको तस्वीरें भी सेंड की लाहौर की? मैंने इनको तस्वीरें जो है बादशाही मस्जिद की भेजी थी। करना की जी बादशाही मस्जिद में भेजी मैं। देखिए इंडिया में जो मकामात है ना, वो जो तारीखी मकामात है वो इससे मिलते जुलते हैं। आपने शाही किला देखा फिर? जी देखा है। बुर्जी देखी? नहीं। नहीं देखी होगी, बताए देखी होगी लेकिन सबको बताते नहीं। इनकी पर्सनैलिटी में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? आवाज है। सिर्फ आवाज? आवाज है मतलब ये वाली आवाज जी। आप कोई गाना सुनाए ना इनको जो इनको अच्छा लगा हो। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। आंखूठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। आपको भी कोई गाना आता है? गाना नहीं आता है मुझे, बॉलीवुड डांस बचपन से बहुत अच्छा है, है। और इमरान हाशमी अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छे। ये उनके जैसे, ये उनके जैसे। गंदा गाना सुनाया आपको? एक गाना जो है वो मैं सुनाना चाहूंगा। मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा। ओ जा रे जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा। ओ जा रे जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा। आगे पीछे देखते हो भंवरों की तरह, क्यों देखती हो इनको यूं बेसब्रों की तरह। ये नेशनल भाभी माँ बाप की इकलौती बेटी हैं और शादी करने के लिए मच्छर कॉलोनी मलीर के लड़के फैसल से आ चुकी हैं। क्या जबरदस्त इनकी उर्दू है, क्या इनकी हिंदी है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इनसे तंजो मजा से भरपूर इंटरव्यू हमने इनकी मर्जी से किया। मैं ये चाहता हूँ कि रशियन बच्चियाँ ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में आए और आबादी ज्यादा से ज्यादा हो ताकि खूबसूरत से खूबसूरत बच्चे पैदा हों। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।